Hello, good morning friends. This is my channel Mechanical Major and welcome to all to my channel Mechanical Major. आज हम अभी जो SSC JEE का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम मानवेंद्र है. मैंने SSC JEE 2013 का एग्ज़ाम क्रैक किया था और प्रेजेंटली मैं मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में ऐसा जूनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ. ऑलमोस्ट 5.5 ईयर्स कम्प्लीट हो गया मुझे जॉब में. SSC JEE का जो एग्ज़ाम है अभी जो फ़िलहाल होने वाला था वो इस COVID-19 तो कोरोना की वजह से जो पोस्टपोन्ड हो गया है कुछ दिनों के लिए, तो वो अपकमिंग डेज में जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड जो अभी जो आपको शॉर्ट ऑफ बोनस टाइम मिल गया है जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड जितने भी डेट के लिए हुआ उसके लिए जो लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी आपकी होगी उससे रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने बेसिकली लास्ट मोमेंट में तैयारी की थी, वैसा ही आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम का पैटर्न आई थिंक जिनको क्लियर नहीं है एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं. एग्ज़ाम जो है टोटल SSC JEE का वो दो फेज़ में होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 इज़ बेसिकली योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस आएंगे आपके जो आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं. सेकेंड इज़ योर सब्जेक्टिव पेपर, दैट इज़ योर पेपर 2. ये होगा आपके 300 मार्क्स का और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 1 जो है आपका वो डिवाइडेड है बेसिकली आपके 3 पार्ट्स में. आप देखेंगे first 2 पार्ट्स इज योर नॉन टेक्निकल पार्ट, 3rd पार्ट इज योर टेक्निकल पार्ट. 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन के रहेंगे. first 50 विल बी योर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, second 50 विल बी योर जनरल अवेयरनेस. ओके, तो जो सेकेंड पार्ट आपका होगा वो होगा आपका टेक्निकल जो 100 मार्क्स का होगा. अभी SSC ने कुछ ट्रेंड चेंज किया है अपने पेपर्स का. लाइक पहले जैसा होता था और अभी जैसा होता है, हमारे टाइम में 3 फेजेस थे. पेपर 1 सेम डे ही हमारा पेपर 2 हुआ करता था जो सब्जेक्टिव का था. सेकंड सेशन में जो पेपर 1 एग्ज़ाम कट ऑफ क्लियर करता था उन्हीं का पेपर 2 चेक होता था और जो पेपर 2 क्लियर करता था दे आर गोइंग टू अपियर फॉर द इंटरव्यू. तो इन 3 फेज क्लियर करके फिर फाइनल सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती थी. अभी जो है आपका पेपर 1 जो है बेसिकली वो है 200 मार्क्स का. first 50 इज योर जनरल अवेयरनेस. नाउ व्हाट इज जनरल अवेयरनेस? जब आप इसका कोर्स कंटेंट देखेंगे, सिलेबस देखेंगे आप, तो आपको ये सिलेबस जो है SSC JEE की साइट पे अवेलेबल हो जाएगा. वहाँ से आप सिलेबस चेक कर सकते हैं. सिलेबस में बेसिकली जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है, ना कि जनरल स्टडीज़. इसको आप ध्यान रखिएगा. आप पहले के पेपर से मत जाइएगा क्योंकि वहाँ पर जनरल स्टडीज़ हुआ करता था जिसमें जनरल स्टडीज़ कवर करता है बेसिकली आपका जो स्टैटिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो, और दूसरा होता था आपका जो करंट अफेयर्स है. जनरल अवेयरनेस कहने का सेंस ये होता है दैट इज़ योर करंट अफेयर प्लस डे टू डे हैपनिंग अराउंड यू. जो भी चीज़ें आपके हाल फिलहाल में आपके कंट्री में आपके स्टेट में होती हैं उन सब से रिलेटेड आपसे एक जो इंजीनियर को, एक कॉमन पर्सन को जितनी नॉलेज होनी चाहिए उस लेवल का आपसे क्वेश्चन किया जाएगा. ओके, सो इस 50 क्वेश्चंस में आपको बेसिकली जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, ना कि जनरल स्टडीज़. ठीक है, सेकेंड इज जो रेस्ट ओवर 50 क्वेश्चंस हैं आपके नॉन टेक्निकल के, वह है आपका रीजनिंग का. ठीक है, उसको कहा गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग. ओके, रीजनिंग जैसे आप देखते होंगे वर्बल नॉन वर्बल दोनों सेक्शन कवर अप होता है. ओके, बट इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस वर्ड एक जुड़ा हुआ है उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. इंटेलिजेंस बेसिकली रिलेट करता है योर इंटेलेक्चुअल नॉलेज. इंटेलेक्चुअल नॉलेज क्या कहलाएगा आपका? आपने कभी अगर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड SSB जो होता है आर्मी नेवी एयरफोर्स का, उसके लिए अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ भी इसको सेम नाम दिया जाता है, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस. वॉट इज इंटेलिजेंस? वहाँ पे कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, बेसिकली कहा जाता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं कि आपको कुछ सिचुएशन दिया क्या उससे रिलेटेड, कि उसका आपको स्टेटमेंट दिया है उसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए. एज शॉर्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंस जो बेसिकली पार्ट है उसमें पूछा जा सकता है. जो वर्बल और नॉन वर्बल सेक्शन है आपके रीजनिंग का, ओके, तो वर्बल सेक्शंस आपको क्लियर है, नॉन वर्बल बेसिकली यही जो पोर्शन है आपका रीजनिंग का. इसमें आप लोग ये बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 50 यू कैन स्कोर मैक्सिमम ऑफ 40-45 आप आराम से ला सकते हैं. ओके, रह गया जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक. ये टॉपिक ऐसा है कि इसका देयर इज नो शॉर्ट ऑफ लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है. ठीक है,
तो जितना ज़्यादा आप कवर कर सकते हैं, जितना अच्छे से कोर्स कंटेंट उसका होगा, बेसिकली इसका कोई शॉर्ट ऑफ कोई डेफिनेट कोर्स नहीं होता, ओके? तो जितनी चीज़ें मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल्स पे, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल जाए जनरल अवेयरनेस का, डे टू डे हैपनिंग्स का, वो आप पढ़ लीजिए। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? नाउ ये तो हो गए आपके जो पेपर वन का जो फर्स्ट नॉन टेक्निकल पार्ट है 100 क्वेश्चंस का, ओके? उसके बाद एक चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप पेपर वन दिलाने ऑनलाइन में जाएंगे, बेसिकली अभी तो वो ऑनलाइन एग्जाम हो चुका है, पहले ऑफलाइन जब हुआ करता था उस टाइम बहुत लोगों से एक गलती ये होती थी कि आपको जो अपना सेक्शन सेलेक्ट करना रहता था, ओके? तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट इज गिवन योर सिविल, देन योर इलेक्ट्रिकल, एंड देन सेक्शन इज योर मैकेनिकल, ठीक है? तो मैकेनिकल वाले खास कर ये ध्यान रखिएगा आप लोग, सिविल और मैकेनिकल का कोर्स कंटेंट थोड़ा बहुत मैच करता है, ऑलमोस्ट 40-50% तो मैच कर ही जाता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ मैकेनिकल जाके मैकेनिकल के सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है, ना कि सिविल सेक्शन से आपको स्टार्ट कर देना है, ओके? बहुत सारे लोगों से गलतियां होती थी जब ऑफलाइन पेपर होता था, ऑनलाइन में सीधे आपको अपने मैकेनिकल सेक्शन में जंप करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, ओके? नाउ तो रेस्ट ओवर आपके टेक्निकल के 100 क्वेश्चन रह गए हैं, उनकी तैयारी कैसे करनी है? तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शॉर्ट ऑफ जितने भी डिग्री कैंडिडेट्स हैं उनके लिए खासकर एक चीज़ एक बेनिफिट हो जाती है कि आप लोगों का शॉर्ट ऑफ टेक्निकल पोर्शन बहुत ज़्यादा कवर अप होता है, ना कि टोटल प्रैक्टिकल पोर्शन। डिप्लोमा वालों का प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, थियोरेटिकल उनका कम रहता है, ठीक है? तो अगर आप SSC के पुराने पेपर्स देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ जरूर देखने को मिलेगी कि जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है? व्हाट आर थ्योरेटिकल पार्ट्स? एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे कि अगर आपको मैकेनिकल वाले हैं, थर्मोडायनेमिक से पूछा जाएगा, ठीक है? इन एन ओपन सिस्टम मास एनर्जी कौन सा कॉन्स्टेंट क्या होता है, मास होता है कि एनर्जी होता है कि दोनों होते हैं कि दोनों नहीं होते, ओके? तो ये शॉर्ट ऑफ ये हुआ एक तरह का थियोरेटिकल क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल में पूछा जाएगा कि मोटर में कौन सा रूल लगता है आपका, फ्लेमिंग्स का, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है? तो दीज आर कॉल्ड एज थियोरेटिकल क्वेश्चन। तो थियोरेटिकल पोर्शन आपके क्वेश्चन पेपर में आपको 65-60 to 65% आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? आप ये जरूर बोल सकते हैं कि आपको आउट ऑफ 100 60 to 65 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल मिलने वाले हैं, ठीक है? दिस इज द मिनिमम साइड ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट, ओके? और जो रेस्ट ओवर रह गया 30-35 क्वेश्चन, दैट इज द मैक्सिमम ऑफ योर न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है? इन चीज को समझिएगा, 60 से 65 ये मिनिमम है, बट वो तो 30 से 35 न्यूमेरिकल है वो मैक्सिमम, दैट मीन्स थ्योरेटिकल का पोर्शन और भी आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, ओके? और जो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज अ बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड होंगे, जो वन लाइनर विदाउट कैलकुलेटर आपसे सॉल्व हो सकते हैं, SSC के क्वेश्चंस वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? लाइक थर्मोडायनेमिक्स में अगर बोला जाए कि कैलकुलेट द वर्क डन, ओके? तो इन केस अ गिवन इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ओके? वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, तो जो आपका P V2 - V1 का एक फॉर्मूला लगता है, सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है? ओके, नाउ ये हुई आपके पेपर वन की बात। अब अभी जो आप लोग बेसिकली अपेयर होंगे, दैट इज एन ऑनलाइन बेस्ड पेपर, 200 मार्क्स 120 मिनट्स, ओके? ध्यान आपको सिर्फ ये चीज़ का रखना है, टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है? देखिए पढ़ाई हर कोई कर ही लेता है, कैसे भी करके आपने कोर्स कंटेंट कवर अप अभी तक कर लिया होगा। अगर आप लास्ट 6 to 8 months या एन ईयर से तैयारी कर रहे होंगे, 1 साल से, तो आपने कोर्स तो कंटेंट कर लिया होगा, ठीक है? तो अगर बेसिकली आप एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? द फर्स्ट इज योर कोर्स कंटेंट, योर सिलेबस, ठीक है? अभी जो हमने डिस्कस किया दैट वाज द पॉइंट नंबर वन, सिलेबस या आपका जो कोर्स कंटेंट है वो, ठीक है? नाउ सेकंड पोर्शन, सेकंड टॉपिक इज बेसिकली योर प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है? ऑनलाइन टेस्ट अभी आप लोगों के बैठना इसलिए बेनिफिशियल होगा बिकॉज मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब भी आप ऑफलाइन पेन एंड पेपर सीरीज से जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जाते हैं, तो डेफिनेटली जब तक आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम दिलाने का, तब
तब तक आप लोगों को एक चीज का नुकसान जरूर होगा कि वहां पे आपकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 5 to 10% डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लगता है कि मेरे से पेन एंड पेपर में बन रहा है और ऑनलाइन में जाके बैठ के सीधे दिला दूंगा, तो इस थोड़े से डायलमा को अपने दिमाग से हटाइएगा और ट्राई कीजिए कि आप लोग ऑनलाइन कोई भी टेस्ट अपियर हो जाइए। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट अपियर होने का मतलब ये नहीं है, मैं डेफिनेटली इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाइए, वहाँ पे आप एनरोल कीजिए, वहाँ पे पैसे दीजिए आप लोग कीजिए। ऑनलाइन आप लोग देखेंगे, गूगल सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, आप कंप्यूटर में आपके क्वेश्चन चालू रखिए। ठीक है, वहाँ अगर आपको टाइमर का कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो आप अपने बेसिकली आपके मोबाइल में आपका जो भी स्टॉपवॉच होगा, वॉच होगा, डिजिटल वॉचेस, उसमें आप लोग स्टॉपवॉच चालू करके, ठीक है, टाइमर स्टार्ट करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, बट ऑनलाइन पेपर है तो मेरे साइड से सजेशन यही रहेगा कि मिनिमम आप लोग 20-25-30 टेस्ट मिनिमम अपियर होके माइंडसेट बना के एग्जाम में जरूर जाइएगा। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 3, सिलेबस हमने देख लिया। सेकंड टॉपिक वाज हाउ टू अपियर मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, जब आपका कोर्स कंटेंट सही हो जाएगा, जब आपका टाइमर सही हो जाएगा, तो थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो किसी भी एसएससी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, खासकर अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात की जाए, उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का हो, चाहे एसएससी जेई का पेपर हो, चाहे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का हो, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम्स में, वो होता है बेसिकली आपका टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर देखा जाए 120 मिनट्स डिवाइडेड बाई 200 क्वेश्चंस, ठीक है, तो यहाँ से आपका टाइम निकल जाएगा मिनट पर क्वेश्चन में। ठीक है, जो बेसिकली आता है आपका 6/10, मतलब 0.6। ठीक है, तो अगर 60 में 0.6 करें तो 36 से 40 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो अगर आप 200 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते हैं, 2 घंटे में आपको जाना है, तो आप लोग को ध्यान ये होना चाहिए कि एटलीस्ट जो टेक्निकल पोर्शन है या नॉन टेक्निकल पोर्शन है, उसके लिए आपको 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन मिल रहा है। 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स, 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स। ओके, आप अगर आप लोग जानते हैं, आपको लगता है कि आपका टेक्निकल बहुत अच्छे से है, ठीक है, और लग रहा है कि नॉन टेक्निकल के कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बन सकते, या इन केस अगर आपको रिवीजन का टाइम मिल रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन 1 to 100 जाने का फिर से टाइम मिल रहा है नॉन टेक्निकल में, फिर से नहीं बनेगा, उन क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिएगा और आप लोग मेन फोकस कर लीजिए आप लोगों के टेक्निकल के लिए। ठीक है, टेक्निकल वालों के साथ, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग वाले बेसिकली हैं, ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लम ये होती है कि विद इन लास्ट 4 to 5 ईयर्स आप लोगों का ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो आप लोग के टच में नहीं रहता, और एट ए टाइम अगर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसको 5 से 6 सालों के बाद, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो डजेंट मैटर कि आपका स्कोर उससे मार खाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप देख लीजिए जो भी होता है। ठीक है, बहुत हाई लेवल के आपके नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम में, वो एक बेसिक लेवल का होता है। थोड़ा भी अगर आपका कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक का क्लियर है तो आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। ठीक है, बट रह गया टेक्निकल की चीज़ें, तो टेक्निकल आप लोगों ने पढ़ी है, ट्राई कीजिएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना आप लोग टेक्निकल में स्कोर कर सकते हैं आप लोग कर लीजिएगा। ओके, लास्ट ईयर का अगर आप कट ऑफ देखते हैं, बेसिकली मैकेनिकल वालों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, दैट वाज आई थिंक जनरल वालों के लिए 152 कट ऑफ था। आप लोग ये देख लीजिए 76% आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 76% अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, और हर साल का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो वो ड्रास्टिकली धीरे 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 इंक्रीज होता जा रहा है। 2013 की बात करूँ, जब हमने एग्जाम दिलाया था तो उस टाइम पे मार्क्स जो था कट ऑफ, आप लोग साइट पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे 100.75 कुछ कट ऑफ था। ठीक है, बट अभी अगर आप देखते हैं वो पहुँच चुका है 152। बट इसके पीछे 2 रीज़न है। ठीक है, पहला रीज़न ये है कि लेवल ऑफ पेपर, तो लेवल ऑफ पेपर जो है, अगर आप लोगों को इजी पेपर आएगा तो मान के चले कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा जाता है। सेकेंड इज इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनको भी स्क्रूटनाइज करने के लिए फिर एसएससी काम करती है कि आपका जो है कट ऑफ को थोड़ा सा बढ़ा देती है। ठीक है, पहले 3 सेक्शंस होते थे, मतलब 3 राउंड्स होते थे जहाँ आपको स्क्रूटनाइज किया जा सकता था, पेपर 1, पेपर 2, ठीक है, एंड देन इंटरव्यू। अभी वही 3 सेक्शन आपके, 3 जो पोर्शन है वो आपके 2 हो गए हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2।
ठीक है, तो इन दो सेगमेंट्स को जब आपको क्लियर करना है तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज करना पड़ता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, ठीक है। इस वजह से आप लोगों का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा रहा है। तो अगर आप लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि मुझे आउट ऑफ 100 टेक्निकल में, ठीक है, मान के चलिए आपको अटेम्प्ट्स की बात की जाए, तो फ्रॉम माई साइड आई विल सजेस्ट कि आप लोग मिनिमम 75 to 80 क्वेश्चंस मिनिमम अटेम्प्ट्स करके आइएगा, ट्राई कीजिए उसमें आपका 65-70 मार्क्स आ जाए, ठीक है। एंड सेम फॉर द नॉन टेक्निकल पोर्शन, यहाँ भी आपका सेफर साइड आप 70-75 क्वेश्चंस ले लीजिए और यहाँ भी आपका 65-70 मार्क्स आने चाहिए, तब जाके बेसिकली आप लोग एक कट ऑफ लेवल तक पहुँच पाएंगे। ओके, तो अगर देखा जाए तो 200 में आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, तो 200 में आपके अटेम्प्ट्स आप लोग ले लो 155 to 160 प्लस में जाता है, तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल है, आप उससे भी ज़्यादा अटेम्प्ट करके आइए। ट्राई कीजिएगा जब आपका कोर्स कंटेंट आपने पूरा कर लिया है, मॉक टेस्ट दिलाते टाइम आप लोग स्कोर पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, स्कोर लाना दैट मीन्स 10 आपने 9 ले आया, ठीक है, तो 10 9 10 9 ये आपका हर एग्जाम में चल रहा है, दैट मीन्स कही जाएगी कि आपकी एक्यूरेसी 90% है। ओके, बट आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 8 में 8 सही किए, ठीक है, तो उसमें आपका कहा जाएगा यू आर 100% एक्यूरेट। ओके, तो जब आप लोग एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, जब आपका कोर्स कंटेंट हो गया, आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, आपने मॉक टेस्ट अपीयर किया, उसके बाद द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपका रह जाता है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, दैट इज़ योर एक्यूरेसी। तो इस एक्यूरेसी पे ध्यान देना खासकर एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपका जो एसएससी के पेपर्स होते हैं ये टाइम टेकिंग नहीं होते, ये शॉर्ट ऑफ लेंदी होते हैं। कभी आपको अगर आप खुद बैठते हैं 2 घंटे और ऐसे क्वेश्चंस बनाते चलते हैं, तो आपको भी देखने को मिलेगा कि शायद आप पूरे 200 क्वेश्चन तक एंड तक ना पहुंच पाए। तो उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी आप लोग ये बना सकते हैं कि पहले अगर आपको लगता है कि टेक्निकल आप जल्दी से कर सकते हो, आप टेक्निकल पे चले जाइए, वहाँ पे आउट ऑफ 100 मैक्सिमम जितने आपसे बन सकते हैं, जितना आप लोग अटेंड कर सकते हैं उतना अटेंड कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो रीजनिंग का पोर्शन है, रीजनिंग पोर्शन इज ऑल्सो शॉर्ट ऑफ कि आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। बनेगा इन द सेंस अगर आपने पढ़ा है, लॉजिक क्लिक कर रहा है, तो आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट रह क्या जो ये जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक, ये टॉपिक थोड़ा सा क्रूशियल इसलिए होता है, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो, या तो आपको आता है या तो नहीं आता। इसमें आप लोग कोई भी लॉजिक, कोई भी फॉर्मूला, कोई इक्वेशन लगाने वाली चीज़ें नहीं रह जाती, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग माइंड में बिठा लीजिए कि टेक्निकल आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। सेकेंड इज जो रीजनिंग का टॉपिक है वो बनाइए, एंड देन जनरल अवेयरनेस में आइए। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस आई से कि अगर आपको 30-35, ठीक है, 35 आप लोग लीजिए, 35 क्वेश्चन आपके अगर सही होते हैं, ठीक है, तो वो सफिशियंट है। रेस्ट जो आप लोग को कवर करना है वो 50 में 40-42 क्वेश्चन के आप आस पास आप लोग कवर कर लीजिए, जो रीजनिंग का पोर्शन है वहाँ पे, यहाँ आ गया आपका 75। टेक्निकल में 100 में 70-75 आप लोग कवर करते हैं, आराम से आपका 150 तक का स्कोर आ जाएगा, ठीक है, बट डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे। ओके, तो ये तो था आपका पेपर वन का, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट मेरा जो वीडियो रहेगा दैट विल बी ऑन द सब्जेक्टिव पेपर, कि वो पेपर को कैसे लिखना है, कैसे आपको अपियर होना है, ठीक है। पेपर वन के लिए जो भी कैंडिडेट्स अपियर होना चाहते हैं, फ्रॉम माई साइड अ वेरी गुड लक एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अपकमिंग आपके जो वीडियोस हैं मैं आपको अनाउंस करता हूँ, अपकमिंग वीडियोस में कुछ नीचे लिंक्स रहेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कॉलम में, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स नोट्स, ठीक है, वो सब मैं आपको अवेलेबल कराना स्टार्ट करता हूँ अभी से। जितना भी दिन बचा है एटलीस्ट आप उतना रिवाइज कीजिए, ओके। तो प्लीज़ डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, तो अपकमिंग जो भी आपके वीडियोस मेरे आएंगे वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। ओके, थैंक यू।